उदाहरण 14। सिद्ध कीजिए कि 10 सातांश, 10 तेईस अंश, 10 साठ अंश गुणा 10 सड़सठ अंश गुणा 10 तिरासी अंश बराबर वर्गमूल 3। यह हमें सिद्ध करना है। हल, सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष में हमारे पास है 10 सात अंश गुणा 10 तेईस अंश गुणा 10 साठ अंश गुणा 10 सड़सठ अंश गुणा 10 तिरासी अंश बराबर 10 सात अंश को हम लिख सकते हैं 10 कोष्ठक में 90 ऋण तिरासी अंश, 90 अंश ऋण तिरासी अंश 10 के स्थान पे लिखे, सात के स्थान पे हमने लिखा 90 अंश ऋण तिरासी अंश, इनका दोनों का अंतर सात अंश आएगा, तो हम सात अंश के स्थान पे 90 अंश ऋण तिरासी अंश लिखे। उसी तरह से हम 10 तेईस अंश को लिखेंगे 90 अंश ऋण सड़सठ अंश, 90 में से सड़सठ को घटाएंगे तो तेईस अंश हमें प्राप्त होगा, तो हमने 10 तेईस अंश के स्थान पे 10 90 अंश ऋण सड़सठ अंश लिखा। उसके बाद गुणा 10 साठ अंश गुणा 10 सड़सठ अंश और गुणा 10 तिरासी अंश बराबर, क्योंकि हम जानते हैं, हमने सूत्र पढ़ा है 10 90 अंश ऋण थीटा जो होता है वह कॉट थीटा होता है, थीटा के स्थान पे यहाँ पे तिरासी अंश है, तो इससे हम लिखेंगे 10 90 अंश ऋण तिरासी अंश को कॉट तिरासी अंश। उसी तरह से 10 90 अंश ऋण सड़सठ अंश को हम कॉट सड़सठ अंश लिखेंगे, ये इनके बीच में गुणा है। उसी तरह से आगे गुणा 10 साठ अंश गुणा 10 सड़सठ अंश गुणा 10 तिरासी अंश बराबर, इसे हम लिखेंगे कॉट तिरासी अंश गुणा 10 तिरासी अंश। इस 10 तिरासी अंश को हम कॉट तिरासी अंश के साथ ले लेते हैं गुणा में। उसके बाद कॉट, ये दूसरा जो है कॉट सड़सठ अंश और गुणा 10 सड़सठ अंश और 10 साठ अंश को अंतिम में हम लिख लेते हैं 10 साठ अंश बराबर कॉट तिरासी अंश गुणा 10 तिरासी अंश के स्थान पे हम 1 बटा कॉट तिरासी अंश लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 10 थीटा का मान जो है 1 बटा कॉट थीटा होता है, 10 थीटा का मान 1 बटा कॉट थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 1 बटा कॉट तिरासी अंश गुणा कॉट सड़सठ अंश गुणा 10 सड़सठ अंश को हम लिखेंगे 1 बटा कॉट सड़सठ अंश और गुणा, हम जानते हैं 10 साठ अंश का मान होता है वर्गमूल 3, तो हम 10 साठ अंश के स्थान पे वर्गमूल 3 लिख लिए बराबर 10 तिरासी अंश अंश में है और हर में है गुणा में है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होगा। उसी तरह से कॉट सड़सठ अंश और कॉट सड़सठ अंश अंश और हर में है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि बीच में गुणा है, और हमें यहाँ पे 1 प्राप्त होगा,
और एक को एक से गुणा करें तो एक, और गुणा वर्गमूल तीन है तो अंत में हमें वर्गमूल तीन प्राप्त होगा। तो हमने देखा उदाहरण 14 में कि इसका जो मान है और हमारा जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष जो है इसका मान भी जो है वर्गमूल तीन है, तो हमारा दोनों जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न जो है टेन सात अंश गुणा टेन तेईस अंश गुणा टेन साठ अंश गुणा टेन सड़सठ अंश गुणा टेन तिरासी अंश का मान जो है वर्गमूल तीन है। तो हमने दोनों पक्षों को बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर बताया है, वर्गमूल तीन जो आया है। इस तरह से इस उदाहरण का हल होगा।